स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर एक नई अपडेट आई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 लाख स्टूडेंट को मिल सकती है राहत की आस। परीक्षा या प्रमोट 15 दिन में फैसला किया जाएगा। ये देख लीजिए आप, भास्कर में कल न्यूज़ आई थी कि 19 लाख विद्यार्थी प्रमोट या फिर परीक्षा कमेटी बनाई, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। इस कमेटी में क्या क्या निर्णय लिया जाएगा ये आप देख लीजिए। प्रदेश भर में परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जाएँ या फिर ऑफलाइन करवाई जाएँ, या फिर जिन कक्षाओं को प्रमोट करना संभव हो उन्हें प्रमोट किया जाए या प्रमोट करने का फॉर्मूला तय करेगी। इसके अलावा कोर्स में कमी, पेपर में जो विकल्प देने का निर्णय भी लिया जा सकता है, परीक्षा का समय कम करना, कॉपी का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, ये सभी जो है इस कमेटी में तय किया जाएगा। और अगला सत्र जो है किस तरह से प्रारंभ करना है इस संबंध में भी जो है कमेटी सुझाव देगी। तो ये इस कमेटी में 15 दिन में सब फैसला लिया जाएगा कि जिन छात्रों को प्रमोट करना संभव हो सकता है उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और पिछले साल क्या है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग नीतियाँ थी, लेकिन इस कमेटी में तय किया जाएगा कि इस कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों को मानना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीष्मकालीन अवकाश के करीब 4 सप्ताह बीतने और भास्कर में खबर छपने के 3 दिन बाद उच्च शिक्षा विभाग को चिंता और 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य का ख्याल आया। उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को 6 समिति कमेटी बनाई। और इसमें देख लें यहाँ लिखा हुआ है कि ये कमेटी 15 दिन में फैसला करेगी कि प्रदेश की 28 यूनिवर्सिटी और उनके अधीन 3,200 कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा हो या फिर उन्हें प्रमोट किया जाए। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 4 विश्वविद्यालय कमेटी 15 दिन में तय करेगी कि विश्वविद्यालय की परीक्षा करवाई जाए या फिर छात्र प्रमोट किए जाएँ। ये देखिए जयपुर की खबर है और ये 27 मई 2021 की न्यूज़ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 सदस्यीय कमेटी का फैसला प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों पर एक समान रूप से ही लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन जो निर्णय है वो इस पर लिया जाएगा कि जिन छात्रों को प्रमोट करना संभव हो उन्हें प्रमोट किया जाए और पिछला जो सत्र था उसकी तरह ये प्रमोट किया जाए या फिर कोई नई रणनीति लागू किया जाए या प्रमोट का नया फॉर्मूला है वो इसमें तय किया जाएगा। इसके बाद जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने ट्वीट किए थे उसमें आप देख सकते हैं, आगामी कक्षाओं और सेमेस्टर में प्रमोट करने के संबंध में भी किया जाएगा विचार, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों पर एक समान लागू होंगे कमेटी के सुझाव। और इसमें देखिए उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर समितियाँ के गठन, उच्च स्तरीय समिति में होंगे 6 सदस्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप को बनाया जाएगा समिति का संयोजक। ये देखिए 27 मई का ट्वीट है 5:48 पर। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी थी कि 15 दिन में आपकी जो है कमेटी बनाई जाएगी और वही निर्णय लेगी कि अब परीक्षा होगी या फिर प्रमोट किए जाएंगे। धन्यवाद।